तो डीडीसी चुनाव की 280 सीटों पर मतगणना इस वक्त जारी है और अब तक 186 सीटों के रुझान सामने आए हैं। 50 सीट पर बीजेपी आगे है और 69 सीट पर गुपकार गठबंधन आगे चल रहा है। 20 सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है और 47 सीटों पर अन्य पार्टियों को बढ़त हासिल है। तो धीरे धीरे अब रुझान जो है वो सामने आ रहे हैं और वो हम आपको दिखा रहे हैं। 50 सीट पर बीजेपी, 69 सीट पर गुपकार गठबंधन आगे, 20 सीट पर कांग्रेस और 47 सीटों पर अन्य पार्टियां आगे चल रही हैं। तो कांटे की टक्कर इस बार गुपकार गठबंधन और बीजेपी के बीच, और ये जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि जब 6 सियासी दलों ने एक साथ हाथ मिला लिया है बीजेपी को चुनौती देने के लिए, और इसीलिए ये जो मुकाबला है बहुत ही दिलचस्प और ये जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है बीजेपी और गुपकार गठबंधन के बीच। और सियासी समीकरणों की बात करें तो जो दबदबा है वो गुपकार गठबंधन का कश्मीर घाटी में पहले से रहा है, जम्मू में बीजेपी का दबदबा अभी तक हम देखते रहे हैं। और ये सबसे अहम बात इस चुनाव की कि जो वोटरों ने जिस तरह से उत्साह के साथ वोटिंग की इस बार के चुनाव में, कड़कड़ाती ठंड और सर्दी के बावजूद 51% मतदान हुआ इस चुनाव में। और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि बीजेपी इस बार बेहतर प्रदर्शन करेगी। निश्चित तौर पर अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का रहेगा और लोग भी चाहते हैं कि नए जनप्रतिनिधि चुनकर आए, नया नेतृत्व उभर कर आए। कुल मिलाकर जहां एक और नए नेतृत्व को आगे आने का अवसर मिलेगा, वहीं और लोगों को एक अच्छे प्रतिनिधि मिलेंगे ताकि उनके स्थानीय स्तर पर विकास हो सके। सलमान साहब, क्या उम्मीद है? इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतेगी और रिजल्ट्स हमारे हक में होंगे। तो आप मुझे बताइए, जिस तरह से ये एक हिस्टोरिक चुनाव है, डीडीसी के पहले चुनाव है, आप का मुकाबला बीजेपी से हो रहा है, बीजेपी ने बहुत कैंपेन किया है यहाँ पर, आपके बड़े लीडर तो देखे नहीं गए कहीं पे, तो क्या लेकर आप लोगों के पास गए हैं? जब फारूक साहब ने, बाकी लीडर्स ने, सीनियर लीडर्स ने अलायंस का ऐलान किया तो मैसेज क्लियर गया लोगों के पास, और मुझे पूरा यकीन है लोगों ने अलायंस को वोट किया है। बिल्कुल उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करूंगा जो मैंने रुझान देखा, क्योंकि यूएलबीज में फ्रेंडली कॉन्टेस्ट था हर एक पार्टी थी, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट पड़ा है और सेंटिमेंट जो है, जो पब्लिक चाहती है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर था। लेट्स होप जैसे फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में इलेक्शन हुए हों और उसके बाद अभी तक काउंटिंग तक वो मेंटेन रहा हो, वक्त बताएगा। लोगों का तो अपने लोगों ने अपना माइंड बताया है, अब इंशाल्लाह काउंटिंग का पता चल जाएगा। सरकारी स्कीमों को लोगों तक पहुंचाया है और लगातार, चाहे वो कोरोना महामारी हो, हमारा कार्यकर्ता बूथ स्तर पर लोगों से जुड़ा रहता है। हमें उम्मीद नहीं, विश्वास है कि जो परिणाम होंगे बेहतर होंगे, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होंगे और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभर करके जम्मू कश्मीर में आएगी। और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी हैं, खालिद हुसैन हमारे साथ हैं और राजू केणी। खालिद हुसैन, सबसे पहले तो अपडेट दे दें, बहुत ही ये जबरदस्त टक्कर दिखाई दे रही है, कांटे की टक्कर बीजेपी और गुपकार गठबंधन के बीच। नुमान साहब, बिल्कुल, मैं आपको पहले ये अपडेट दे दूं कि बीजेपी ने कश्मीर में अपना खाता खोला है। यहाँ इनके एजाज हुसैन जो कैंडिडेट थे बालहामा से, उन्होंने जीत दर्ज की है डीडीसी में, और ये पहली सीट है जो बीजेपी ने यहाँ पे डीडीसी चुनाव में हासिल की है। इसके बगैर अगर हम टैली की बात करें तो अब तक जो पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन है, 74 सीट्स पे वो आगे चल रही है, 3 उनने जीती है, बीजेपी ने 50 सीटों पे आगे है, अभी कोई जीत, एक जीत दर्ज की है जो अभी एजाज हुसैन की हुई है। इंडियन नेशनल कांग्रेस 20 सीटों पर जो है आगे है, 1 उनने जीती है। अपनी पार्टी ने खाता खोला है जो मार्च में ही बनी थी, 1 सीट उनने जीती है, 6 पर आगे है। और अदर्स का बहुत अहम रोल देखा जा रहा है चुनाव में, क्योंकि 40 सीटों पर वो आगे हैं और 7 उनने जीती है। ये अदर्स की मैं बात करूं तो शाहनवाज हुसैन ने जो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने कहा था कि अदर्स को हमें सहयोग दिया है, यानी कहीं ना कहीं बीजेपी ने उन्हें सपोर्ट किया है। तो इस हिसाब से हम देख सकते
सकते हैं कि बीजेपी ने जो यहाँ पे काम किया था उस हिसाब से, हालांकि उनके हक में परिणाम तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन आदर्श जो है अच्छा खासा रोल निभा सकते हैं। वहीं अगर जम्मू या कश्मीर दोनों जगहों की बात करें तो कहीं ना कहीं जो वोट शेयर है वो कांग्रेस से बढ़ रहा है कश्मीर में, खासकर बीजेपी का। और अगर वो बीजेपी ज्यादा सीटें जीतती भी नहीं है लेकिन वोट शेयर उनका बढ़ता है तो वो भी उनके लिए निसंदेह एक बड़ी जीत होगी। अभी जो मैं आपको बता दूं, ये कैंडिडेट हैं जो बीजेपी के पहले हैं और इन्होंने दर्ज की, इनसे हम बात करते हैं। एजाज साहब, आप पहले कैंडिडेट हैं जिन्होंने जीत दर्ज की है बीजेपी की, क्या बोलेंगे आप? अभी आप लाइव पे हैं, क्या बोलना चाहेंगे? मैं पूरे देश के लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं। ये सबकी जीत है, ये उन लोगों की जीत है जिन्होंने कश्मीर में आके बलिदान दिया, और कश्मीर में जो पार्टियां कम्युनलवाद फैलाना चाहते थे ये उनके लिए एक जवाब है। यहाँ पे लोग आज भारतीय जनता पार्टी के समर्थक करते हैं, और यहाँ की जो नीतियां हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर की, यहाँ की जो स्कीमें हैं वो ग्राउंड पे हम लोग पहुंचाएंगे, और उनकी जो पॉपुलरिटी है ये दर्शाती है कि आज कश्मीर में भी उनकी बहुत ही बड़ी पॉपुलरिटी है। ये उन्हीं की वजह से कि आज भारतीय जनता पार्टी की यहाँ जीत हुई है। पहली सीट आपने जीती है, पहली दर्ज की, तो कैसा आप महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो कवल आपने बोला था वो खिलेगा? जी, ये मैं बोलता हूँ कि जो हमारे कार्यकर्ता शहीद हुए, चाहे शब्बीर भट्ट साहब हो, गौहर भट्ट साहब हो, आज मुझे खुशी होती है कि अगर शायद वो हमारे कार्यकर्ता जिंदा होते, आज अगर वो चीज हम जश्न देख लेते तो शायद उनके मन में बहुत खुशी होती। और मैं इसीलिए बोलता हूँ कि जितने हमारे कार्यकर्ताओं ने यहाँ बलिदान दे दिया, आने वाले समय में हम लोग भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से अलायंस के खिलाफ लड़ के हम लोग 64% पोलिंग में भी भारतीय जनता पार्टी का सीट निकलना, ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले टाइम में कश्मीर में फुल फ्लेज्ड आने वाले टाइम में असेंबली में अच्छी सीटें निकाल के लेके जाएंगे। आगे क्या रहेगा आपका, क्या नारा रहेगा लोग? सर, हमारा एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम चाहते हैं जो जिन्होंने हमारे ऊपर वोट किया, जिन्होंने हमें वोट दे दिया, हम उनके विश्वासों के ऊपर खड़े उतरेंगे, और आने वाले टाइम में एक वो जो कॉन्स्टिट्यूंसी रहेगी उसको डेवलपमेंट के मॉडल के रूप में हम लोग खड़ा करेंगे। मुबारक, आप देखिए एजाज साहब थे जिन्होंने पहली सीट जो है बीजेपी की यहाँ उसमें दर्ज किया है अपनी जीत, और कमल का फूल इन्हीं के जरिए जो है यहाँ पर जी, तो बीजेपी का खाता खुल गया कश्मीर घाटी में, और जो विजयी हुए हैं उम्मीदवार उन्हीं से बात कर रहे थे खालिद हुसैन, और हमारे साथ अब मेहमानों का एक पैनल भी आप देख रहे हैं। देश रतन निगम जी जुड़ गए हैं, अमित रैना हमारे साथ हैं, इफ्तिकार मिसगर जी को भी आप देख रहे हैं। सबसे पहले अमित रैना, बीजेपी का खाता खुला है, सीटें कितने भी आए लेकिन ये तो बात माननी पड़ेगी कि बहुत ही जबरदस्त चुनौती बीजेपी के लिए कि जो 6 अहम पार्टियां रही हैं जिनका बहुत ही दबदबा रहा है, वर्चस्व रहा है कश्मीर घाटी में, उन्होंने हाथ मिला लिए हैं बीजेपी के खिलाफ। देखिए, तो 6-1 का कॉन्टेस्ट था, तो उस हिसाब से तो कहीं ना कहीं बीजेपी, ये 6 पार्टियां कुछ भी कहें, भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेंगी, सीटें मिलेंगी ना मिलेंगी, मगर अगर आप 6 पार्टियों का अलायंस बनाकर एक पार्टी के खिलाफ लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप दिखा देते हैं कि आपको डर है उस पार्टी से। और ये जो बलहामा से अभी सीट निकली है भारतीय जनता पार्टी की, इसके अलावा जो अदर्स सीटें निकली हैं, जो अभी तक 6 अदर्स में विन आई है, वो कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ देम भारतीय जनता पार्टी सपोर्टेड कैंडिडेट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का फुटप्रिंट कश्मीर वैली में शुरू हो गया, क्योंकि ये मेरे लिए एक बड़ी पॉजिटिव खबर है कि आज आप 2 पार्टियों के अलावा एक तीसरी पार्टी का विकल्प है वहां जम्मू कश्मीर में, एक राष्ट्रीय पार्टी का विकल्प है। मैंने सुबह भी पहले भी कहा कि कोई भी पार्टी जीते, मेरे लिए आज विक्ट्री जम्मू कश्मीर के लोगों को की विक्ट्री है, ये उनकी विजय है, ये विजय किसी पार्टी की नहीं, क्योंकि ये जमहूरियत की विजय है, एक डेमोक्रेसी की विजय की, लोगों ने अपना विश्वास जमहूरियत में रखा और लोगों ने अपने डेवलपमेंट के लिए अपने वोट का इस्तेमाल किया। तो मुझे लगता है ये आज जो विक्ट्री किसी भी पार्टी की हो, मगर ये असली विक्ट्री जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। जी इफ्तिकार मिसगर जी, ये जम्मू कश्मीर के लोगों की जीत है, ये लोकतंत्र की जीत है। बिल्कुल सही है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों की जीत है, जहां पे डेमोक्रेसी पे इतना विश्वास है कि लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले लिए, इसमें जितना भी श्रेय वो लोगों को जाता है और इसकी कदर होनी चाहिए, इसकी दिल्ली में कदर होनी चाहिए। एक दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि आज की डेट में आपको एक बड़ी खुशखबरी ये भी होनी चाहिए कि कश्मीरी पंडितों ने आज बायकॉट किया, कश्मीरी पंडितों का इतना कम वोट रहा
मान लीजिए 3 फिगर्स में वोट डाले गए कश्मीरी पंडितों ने, बिल्कुल वोट नहीं किया क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से बहुत नजर ये नाराज दिखाई दे रहे हैं, पता नहीं अमित जी ने इस पे बात नहीं करी। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का ये ताल्लुक है, देखिए सुबह जब मैं आपके साथ प्रोग्राम में था तो रविंद्र रैना जी जो फिगर्स बता रहे थे, रविंद्र रैना जी को खुद भी पता है कि जीत हमारी नहीं होगी, वो 480 सीटों में से वो 60 का ये बना रहे हैं फिगर बना रहे हैं कि हम 60 सीटें ले लेंगे, तो उनको भी पता है कि जम्मू में भी उनको नकारा जा सकता है। हाँ, कश्मीर में अगर बीजेपी का देखा जाए तो कश्मीर के में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ गया है, इसमें कोई दोराहा नहीं है। कश्मीर में बीजेपी का फिगर आज से पहले अगर देखा जाए तो कहीं दिखाई नहीं देता था, लेकिन जम्मू में जहां पे उनका एंटी नेशनल एजेंडा है उसको नकारा जा रहा है। कश्मीर घाटी में अगर फुटप्रिंट दिखाई दे रहा है बीजेपी का, इससे बड़ा संदेश क्या निकलता है इफ्तिखार जी? देखिए जहां जब आप एंटी नेशनल की बात करते हैं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने आज डेमोक्रेसी पे विश्वास नहीं रखा है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने 1947 से डेमोक्रेसी पे विश्वास रखा है और जम्मू कश्मीर के लोगों ने 1947 से अपने लोगों को चुना है यहाँ पे, चाहे वो पार्लियामेंट के इलेक्शन हो, चाहे वो असेंबली के इलेक्शन हो, चाहे वो लोकली पंचायत के इलेक्शन हुआ करते थे, तो पहले दिन से आज ये पहली बार नहीं हुआ है। हाँ, अब ये आज डिफ्रेंशिएट इसलिए लग रहा है क्योंकि 370 हटने के बाद आज इलेक्शन हुए हैं तो उसमें लोगों ने फिर हिस्सा ले लिया, क्योंकि लोगों को यहाँ पे डेवलपमेंट चाहिए, लोगों को काम चाहिए, लोगों को तरक्की चाहिए, लोगों को तो विकास चाहिए, लेकिन देशरत्न निगम जी, जब हम सुनते हैं महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि यहाँ तो जम्मू कश्मीर का झंडा नहीं आएगा तो तब तक हम भारत का तिरंगा भी नहीं लहराएंगे, फिर फारूक अब्दुल्ला साहब वो कहते हैं कि चीन की मदद से हम 370 की बहाली करेंगे, तो ये विकास की बात कहाँ की देशरत्न निगम जी? देखिए ये जो देश विरोधी बातें करते हैं इनको वहां की जनता ने आज साफ जवाब दे दिया। उन्होंने इलेक्शन तो लड़ा लेकिन वो घर निकले नहीं, उन्होंने 370 के लिए घुपकर गैंग बनाया लेकिन 370 उन्होंने खुद भी छोड़ दिया, ना किसी कैंपेनिंग में निकले ना उन्होंने 370 की बात करी। और जिस तरह से लोग निकले, देखिए 19% वोट हुए थे लोकसभा इलेक्शन में, कश्मीर वैली की मैं बात कर रहा हूँ, बढ़ के 30% ज्यादा के करीब पहुंच गया, तो आपको एक लहर वो देखने की मिल रही है कि हम मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं, मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, वहां की जनता ने जवाब दिया। दूसरा, जब उन्होंने देखा, जबकि जब पंचायत के इलेक्शन हुए और ब्लॉक लेवल के इलेक्शन हुए तो वो जनता से सीधे जुड़ गए, एक नया नेतृत्व उभर के आ रहा है, और जो पैसे पहले सरकार के केंद्र वो स्टेट की सरकार के पास जाते थे और सारे खा पी के हजम कर देते थे, वो पैसे केंद्र सरकार ने सीधे इन पंचायत और ब्लॉक लेवल पे दे दिए, तो लोगों को साफ नजर आने लगा कि जो हमारी समस्याएं उसके लिए हमें पैसे मिल रहे हैं उसको हमें दूर करनी है ग्रास रूट लेवल पर। आपको ये भी ध्यान होगा, ये जो पीडीपी और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये पंचायत इलेक्शन हमेशा बॉयकॉट करते थे और लोकसभा के इलेक्शन में और स्टेट असेंबली के इलेक्शन में हिस्सा लेते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जमीनी स्तर से नेतृत्व नया ऊपर उठे और इनको चैलेंज करे। तो ये एक नया नेतृत्व जो नीचे से नए यंग लीडर्स ऊपर उठ के आ रहे हैं समाज से, वो बहुत जरूरी है, जो डायनेस्टी की पॉलिटिक्स वहां पर चल रही है उसको खत्म करने के लिए। और एजाज हुसैन साहब ने बहुत ही साफ तौर पे बता दिया, और मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सीटें और भी ज्यादा हो सकती थी अगर उनके जो कार्यकर्ताओं को जो मारा गया, जिस तरीके से हत्याएं की गई, एक लोगों के मन में डर फैलाया गया और कुछ एक्सट्रीमिस्ट और टेररिस्ट लोगों ने भी लोगों को रोका है वहां पर वोट करने से, उसके बावजूद अगर इस तरह से बीजेपी सीट ला रही है और जो अदर्स है 47 वो भाजपा के द्वारा ही समर्थित नेतृत्व है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा ओवरऑल सिचुएशन बीजेपी की बहुत इंप्रूव कर रही है। और जहां पर इनका कोई कश्मीर में जहां पर इनका 0% वोट शेयर हुआ करता था वो तेजी से बढ़ रहा है, तो अगले 4-5 साल में अगर जब असेंबली का इलेक्शन आएगा तो आप देखेंगे बीजेपी की एक नई तस्वीर वहां पर नजर आएगी। ठीक है, राजू केरनी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी एक अपडेट ले लेते हैं। राजू केरनी, अभी क्या सिचुएशन है वहां पर और कड़ी टक्कर ये नजर आ ही रही है बीजेपी गुपकार गठबंधन के बीच, और जो अन्य की बातें कह रहे थे देशरत्न निगम जी, ये अन्य की भूमिका भी बहुत अहम होने वाली है और ये सारे बीजेपी समर्थित बताए जाते हैं।
जी बिल्कुल, क्योंकि सुबह ही आज अब हमारी जो है रविंदर रैना जो बीजेपी के प्रेसिडेंट है उनसे बात हुई थी, तो उनका ये कहना था कि बीजेपी ने जिन जगहों पे देखा कि उनके वोट शेयर हो सकते हैं, वोट डिवाइड हो सकता है, उन जगहों पे जो इंडिपेंडेंट जो स्ट्रांग कैंडिडेट थे उनको बीजेपी ने अपनी सपोर्ट दी और अपने कैंडिडेट वहां पे खड़े नहीं किए हैं। उनका ये कहना था कि हमारे जो है हमारे सपोर्टेड जो कैंडिडेट है उनकी संख्या भी जो है 25 से 30 जो है हमारे सपोर्टेड कैंडिडेट वो जीत के आएंगे। अगर वो जो कैंडिडेट उनके जीत के आते हैं तो सीधी सी बात है जैसे अभी एक सीट उन्होंने ली है और भी सीटें उनमें आएंगी और अपने आप में ये जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि बीजेपी की एक सीट जो है अभी तक जो है वो डिक्लेयर हुई है, बीजेपी का कमल जो है वहां पे खेला है। जैसा दावा किया गया था बीजेपी की तरफ से कि हम कांग्रेस से ज्यादा सीटें लेंगे, हमारा कमल जरूर खिलेगा, तो कमल जो है घाटी में इस बार खिला है और वोट परसेंटेज मेन चीज देखने वाला होगा, वोट परसेंटेज जो है कश्मीर घाटी में बढ़ी है और इस वोट परसेंटेज के बढ़ने का सीधा सीधा असर जम्मू कश्मीर की आने वाली जो असेंबली इलेक्शंस होगी उसके ऊपर जरूर पड़ेगा, क्योंकि लोग जो है तब तक क्योंकि जिस अगर हम बात करें चुनावों की तो इस बार जो चुनाव जो हुए हैं डीडीसी के जो चुनाव हुए हैं चाहे वो जम्मू रीजन में हुए हैं चाहे वो कश्मीर रीजन में हुए हैं, चाहे वो बीजेपी का कैंडिडेट हो चाहे वो पीएजीडी का कैंडिडेट हो, लोगों ने वोट जो उस कैंडिडेट को डाले हैं जिस कैंडिडेट ने उनको ये आश्वासन दिया है कि वो डेवलपमेंट करवाएगा वो शांति लाएगा, लोग ने पीस और डेवलपमेंट चाहे वो बॉर्डर की गोलीबारी की शांति हो चाहे वो मिलिटेंट्स की गोली की शांति से शांति हो, तो लोगों ने पीस और डेवलपमेंट के लिए वोट दिए हैं। तो अगर जो चुनाव में जो है लोग जो है बीजेपी तो पहले भी डेवलपमेंट की बात करती रही है, पहली बार जो है जो चुनावों में इस बार पीएजीडी के जो लोग थे जो जो कैंडिडेट थे, क्योंकि पीएजीडी के जो नेता कुछ बोलते थे कैंडिडेट पीस और डेवलपमेंट की बात बोलते थे, तो पीस और डेवलपमेंट पे अगर वो लोग जो है उस रास्ते पे आगे बढ़े तो आने वाले जो असेंबली इलेक्शन होंगे उसमें भारी उसका असर पड़ेगा। अभी भी बीजेपी जो है वो अगर हम बात करें पीएजीडी के सारे इकट्ठे जो कैंडिडेट हैं वो जो है वो जीत के जो आए हैं वो बीजेपी से बेशक आगे हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी समर्थित हो बीजेपी को मिला दिया जाए तो अभी भी बीजेपी जो है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है बनती नजर आ रही है, लेकिन शाम तक जब नतीजे जो है वो जो क्लियर होंगे तो उसके बाद एलाइज और वो सारे जोड़ के जो है वो देखा जा सकेगा कि 280 में से किसके नंबर सबसे ज्यादा आए हैं। जी मेहमान साहब, तो बिल्कुल अभी थोड़ा नतीजों का इंतजार करना होगा, लेकिन एक बात तो स्पष्ट रूप से यहां पर हम देख रहे हैं कि लोकतंत्र जरूर मजबूत हो रहा है और ये लोकतंत्र की ही जीत है, जम्मू कश्मीर के लोगों की जीत है कि इतनी ज्यादा भागीदारी उनकी इन चुनावों में देखने को मिली है कि 51% वोटर टर्नआउट रहा इन चुनावों में। और इन चुनावों पर न सिर्फ देश की नजर है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि कश्मीर के जम्मू कश्मीर के जो डीडीसी चुनाव है, क्योंकि जब से आर्टिकल 370 हटाया गया है उसके बाद ये पहली चुनावी कवायद है जो कि जम्मू कश्मीर में हो रही है, जब से ये दो केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। और ये जो बदलाव है और जो विकास की राह पर आगे ले जाने की बात लगातार की जा रही है, जो दावे किए जा रहे हैं, अब वो चुनावी नतीजों में किस तरह से तब्दील होते हैं उसी का इंतजार किया जा रहा है। और अभी इस अपडेट के साथ हम ब्रेक पर चले जाते हैं। श्रीनगर की जो खोन मोह 2 सीट है वहां से बीजेपी के एजाज जीते हैं, तो एक खाता खुला है कश्मीर में बीजेपी का और कमल वहां पर खिल गया है और वोटर प्रतिशत कहा जा रहा है कि वहां पर पहले के मुकाबला कहीं ज्यादा इस बार बढ़ जाएगा बीजेपी के। और हमारी जो बात हो रही थी रविंद्र रैना से सुबह के वक्त, वो कह रहे थे कि 70 से 80 सीटें हासिल कर लेगी जम्मू में बीजेपी पार्टी और वहीं 30 से 40 सीटों का दावा किया जा रहा है कश्मीर में। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।